ये है नए साल का दूसरा दिन यानी 2 जनवरी, और जैसे मैंने कहा था कि न्यू ईयर को 90 डेज का चैलेंज लेके ट्राई करूंगा कि मैं 90 डेज का चैलेंज कर सकता हूं कि नहीं। 90 के 90 दिन ब्लॉगिंग होने वाली है इस बार, पर आज के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है विकास भाई के घर में। तो विकास के यहाँ पे हमने रात को, जैसे आपने देखा था पिछला वाला ब्लॉग, नहीं देखा तो देख लो, हमारे अड्डे पे हम अपनी पार्टी शार्टी करने आए हुए थे। अभी करोलबाग जाने का थोड़ा सा प्लान है, पर उससे पहले जाना है गाजियाबाद। गाजियाबाद में कुछ काम निपटाने हैं, वहाँ का आपको एक व्यू दिखाता हूँ, काफी अच्छा लगता है। पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, मोस्टली उस साइड में एरिया में जाता रहता हूँ। अभी जैसे हमारे एक ट्रिप आ रहा है, उस ट्रिप की भी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैं शेयर नहीं करूंगा वो ट्रिप, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जब भी मैं पहले शेयर कर देता हूँ तो हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे आती है हम सब के लिए। सारी सारी नई जगह, जितनी बार कहीं जाएंगे वो नई जगह है। अगर दोबारा उस जगह जा रहे हो ग्रुप के साथ, वो भी नई जगह है। पर नए साल का तोहफा मुझे मिल चुका है, 2 प्यारे से पौधे जो टेबल के लिए चाहिए था विकास भाई की ओर से। थैंक यू भाई, थैंक यू, वेलकम भाई। क्योंकि कुछ नेचर की चीज अपने साथ रखनी चाहिए, और हमारे पास एक आलसी इंसान है, अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। सरम सरम सरम, थैंक यू। अरे अरे भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी को मेरा बर्थडे नहीं था, पर चलो गुरु मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो मेरी जान, ये लो इसे भाई, क्लच वायर मुझे टाइट करनी है, वरना ऐसी बंद होती रहेगी बार बार। वाह, आराम से चलना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस कर लूँ मैं यहीं पे ही। तो भाई अब हम निकलेंगे गाजियाबाद की ओर, और गाजियाबाद निकलने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना पीरागढ़ी वाला रूट। और एक तो यार बाइक में भी तेल बिल्कुल नहीं है, कल आते हुए इंडिकेटर भी ऑन हो गया था, मैंने सोचा था चलो सुबह डलवा लूँगा, बट कंफर्म नहीं था कि सडनली गाजियाबाद निकलना पड़ेगा। एंड पापा का मोबाइल भी अभी तक मैंने उन्हें गिफ्ट नहीं किया है, मतलब 1 जनवरी को करना था, बट मैं देने वाला हूँ 2 जनवरी को अब। एंड साथ ही साथ जो फ़ोन, जो मुझे ग्लव्स वगैरह लेने हैं, देखते हैं आज टाइम मिलता है तो ले लूँगा, नहीं मिला तो नहीं ले पाऊँगा। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, पहले यहाँ पर रोक लेते हैं। चलो भाई देखो यार, पेट्रोल पंप, नेक्स्ट पेट्रोल पंप काफ़ी दूर है, ये वाला फ्लाईओवर पे हम चढ़ चुके हैं, जनकपुरी फ्लाईओवर पे, और यहाँ से थोड़ा सा हम लॉन्च हो सकते हैं। अरे यार डियर यमराज, आई लव यू, दैट्स व्हाई आई एम राइडिंग लाइक दिस, आई एम कमिंग। यहाँ पे मुझे अपनी बाइक को थोड़ी स्लो करनी पड़ी। चलो यार तेल भी डलवाना है भाई, तेल ना है बाइक के अंदर, हमें प्यार तो बहुत है। इंडियन पेट्रोल पंप 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 पावर 3 लीटर। मेरी बाइक हमेशा मक्खन चलती है, बस मैं ही मक्खन नहीं चलाता। आज तेल का मैंने इसलिए वाइब्रेशन नहीं कर रही थी। दिल्ली में सिंगल लड़की और ट्रैफिक फ्री दिल्ली कभी भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं। चलो यार चलो। आप लोगों ने कुछ मेहनत कर दी है, वरना हम लोग इसी तरह से ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। अभी उस ट्रैफिक से निकलने में मुझे कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा का समय लग चुका था, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया था, और तब जाके मैं उस ट्रैफिक से निकल के इस वाले फ्लाईओवर पर आके पहुँचा हूँ, जो कि पीतमपुरा फ्लाईओवर को होते हुए जाता है। पर सच में यार, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, क्या दिल्ली के अंदर, ओ भाई साहब एक चीज़ देख रहा हूँ, दिल्ली में रहीसी इतनी ज़्यादा आ रही है, एक गाड़ी के अंदर एक बंदा। मरोगे चाचा मरोगे, थोड़ा सा आगे की तरफ से घूम के आ जाता क्या चला जाता। एक तो लोगों में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है भाई, कि कहीं थोड़ा सा आगे से हल्का से घूम के आ लो तो ठीक रहे ना, वहीं से वहीं मुड़ जाना तुरंत शॉर्टकट देख के। तो यह है आपका यमुना नदी और सामने सिग्नेचर ब्रिज, अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि कोहरे का कोहराम कुछ ज़्यादा है आज, या पॉल्यूशन बोल सकते हैं, कोहरा बोल सकते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पर सामने सिग्नेचर ब्रिज, नीचे यमुना, ये है यमुना का पुल जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं, और एक नज़ारा यहाँ का इतना प्यारा लगता है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ का अगर कलर ग्रेडिंग करूँ तो कैसा लगेगा देखने को, देखें बताओ कैसा लग रहा है। चलो वापस असली कलर में आ जाते हैं, तो मुझे बताना कैसा लगा ये वाली कलर ग्रेडिंग, क्योंकि थोड़ा कोहरा था, शायद इतना परफेक्ट व्यूज आपको फील नहीं हुआ होगा, बट मैंने ट्राई किया, कुछ ना कुछ तो ट्राई किया ना। चलो अब आगे तरफ चलते हैं, और आपको एक नज़ारा और दिखाऊंगा अभी,
जो मैं इस साइड आता हूँ और मैं जो इमेजिन करता हूँ ना, कोशिश करूँगा वो कलर आपको दिखा सकूँ इस एरिया में आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद अलग ही लेवल का फील आता है मुझे। बस हल्का सा कॉन्ट्रास्ट के साथ खेलना पड़ेगा, बाकी तो अपने आप ही सारा कलर और वो नेचर प्रेजेंट कर ही देता है। ये वाला वो व्यू है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बट अगर यहाँ पे अभी एक भी गाड़ियाँ ना हो, ठीक है, तो उसका जस्ट इमेजिन करो कि ये वाला मतलब व्यू कितना प्यारा लगेगा। चलो एक बार कलर ग्रेडिंग करके देखते हैं, 3, 2, 1, ये देखो। देख रहे हो कितना प्यारा लगता है, मतलब ये दोनों तरफ पेड़ और ये यमराज आगे से आते हुए, उसके बाद ये जो नज़ारा है इस साइड के, पेड़ देखो, रोड देखो कितनी अच्छी है, आसमान का नज़र अलग, मतलब आसमान की फीलिंग अलग ही है और एकदम परफेक्ट। मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिसे सिर्फ देखने का नज़रिया हमें बदलना है, और जो वो खूबसूरती अपने सामने प्रेजेंट करेगी, बस एक कलर ग्रेडिंग करने वाला बंदा हो। भगवान चाहते हैं कलर ग्रेडिंग करना, पर हम इंसान ही चाहते हैं कि पोल्यूशन फैला फैला के नेचर की खूबसूरती को दबा दें। मतलब ऐसे करते हैं कि मतलब डिसअपीयर टाइप की ही लगती रहे। यहाँ खाने का मज़ा ही अलग होता है, मोस्टली जब हम आते हैं तो यहीं खाते हैं, अब क्या है वहाँ जाने से पहले तक खा के जाएंगे। हेलो, सुनाई दे रहा हूँ, माइक टेस्टिंग 1, 2, 3, थोड़ा सा डस्टिंग है। तो यहाँ पे जो नान रोटी और कुछ चीज़ें जो खाने का मज़ा ना ऑलमोस्ट कहीं पे नहीं आता, यहाँ जब भी आते हैं इस जगह पे हम जरूर हमेशा खा के जाते हैं, जरूर क्या हमेशा ही खा के जाते हैं। तो अभी मैं निपटाता हूँ खाने को, उसके बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बिकॉज थोड़ी बातें करनी है अभी, भूख पहले यार, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, छोड़ देंगे तो। देख रहे हो दोस्तों कितना हसीन नज़ारा है, क्या व्यू है, खेत और ये नदी वाला, मेरे ख्याल से नदी वाले पत्थर हैं, इधर से नदी बहती थी, क्या खेती। आने वाले समय में लगता नहीं ये खेतियाँ बच पाएंगी, है ना, बिल्कुल नहीं, इसीलिए पानी देते रहा करो आप लोग, अच्छा रहेगा, जैसे अभी भाई साहब ने दिया है और मैं भी यही दे रहा था, व्लॉगिंग कर रहा हूँ। चलो अब हम निकलते हैं अपनी प्यारी बाइक के साथ, ये देखो ऑफ रोडिंग वाला सीन थोड़ा, चलो भाई। ओए होए मज़ा आ गया, अरे दादा सस्पेंशन की ऐसी तैसी हो जाएगी इस तरह से अगर रोडें मिलती रही। और यहाँ पे मैंने रोज़ चला लिया, एक महीने भी चला लिया ना, मैं हर दिन अपने बाइक का एक नट टाइट करता हुआ नजर आऊँगा, या क्या पता सारे नट टाइट करते हुए नजर आऊँगा। ओह काफ़ी लंबा रास्ता है ये वाला, तो ये पूरी नदी के साथ में बसावट खेती हो रही है। नदी उस साइड वाली है कि इस साइड वाली, ये रास्ता मुझे पता नहीं चली, इतने टाइम से आ रहा हूँ इस साइड। जैसे मैंने बोला था कि गाजियाबाद जा रहा हूँ, आपको एक व्यू दिखाऊंगा, तो ये वाला वो व्यू है जो खेतों के अलग ही नज़ारे होते हैं। यहाँ पे अपनी भी कोई खेती हो सकती थी पर है नहीं, बिकॉज खेती करने वाले में से हम तो है नहीं, पर जो मेरे किसान भाई हैं यार, ये देखो मुझे इतना प्यारा व्यू लगता ना। यहाँ देखो सरसों की खेती हो रही है, बाकी अपने गेहूँ की है, अगर मैं राइट हूँ तो गेहूँ वाली है, और पूरा का पूरा ये देखो मतलब कितना प्यारा व्यू लग रहा है। आप लोग तो सिटी में से रहने वाले हो, बहुत से लोग होंगे जो गांव के रहने वाले होंगे जिनको ये व्यू देख के मज़ा आ रहा होगा, बट थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम इस व्यू में भी। 3, 2, 1 एंड गो। हाउ अब कैसा लग रहा है? हाँ अब तो अच्छा ही लगेगा, बिकॉज मूवी देख देख के आदत हो गई है इस टाइप की चीज़ें देखने की कि हाँ ऐसा दिखना चाहिए, बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है और इस रियलिटी का अलग ही मज़ा है। यार यहाँ के तारे तारे नू पसंद, ओए होए होए ओए ओए होए होए, ये अपनी लिपस्टिक बंद होगी प्यार से, कह रही अच्छा बेटा झटका दोगे, मैं बंद हो रही हूँ, पहले गियर पे चला लो चुपचाप से, हमें क्या पता था बंद हो जाएगी जो कि क्लच पूरा दबा हुआ था। अरे ये नज़ारे, इधर से चल लेते हैं प्यारे, आगे आंटी चला रही है बकरी, चला रही है बकरियाँ, कहाँ है सब। इसके बाउंड्री के ऊपर से होते हुए चलने वाले हैं, बाउंड्री से होते हुए चलो, खेत के नज़ारे मौसम की बारिश से, मतलब बिन मौसम बारिश हुई है शायद इधर अब, या फिर पानी छोड़ा गया ये कंफर्म नहीं पता, पर जहाँ पे हमारा बैठने का अड्डा था ना वो अड्डा था ये, इस बाउंड्री के बीचों बीच में हम चारपाइयाँ लगाते थे और बैठते थे, और अभी देखो सब के सब उस साइड वहाँ पर अवेलेबल हैं। चलो
न्यू ईयर विश करते हैं, दूसरा दिन रहेगा न्यू ईयर का तो दूसरे दिन ही न्यू ईयर का विश करेंगे। पहले दिन तो माँ ने भाई ने बोलता भाई 1 तारीख को आना है, बट हमारे प्लान्स कुछ और थे, जैसे कि आपने ब्लॉग देखा है कि 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट हुआ। हो कितना मस्त लग रहा है। तो ये है कि यहाँ पे मतलब जैसे दवाइयाँ डाली गई है, थोड़ी सी येलोनेस आ रही है और दवाइयाँ डली जरूर हैं इधर। ये लो भाई, हाँ गलत आ रहा हूँ, वैसे चलते हैं। भैया कह रहे हैं न्यू ईयर वाले दिन आने चाहिए, तो बहुत भीड़ थी। न्यू ईयर वाले दिन भीड़ तो थी, पर हम ही तो नहीं थे दिल्ली में। हम ही तो दिल्ली से गायब थे। और क्या हाल है जी? बढ़िया, अपने भैया आपको भी कैसे? ठीक है जी, क्या कर रहे लगे? आपकी फोटो लिया तो मैंने कहा बस यादें कैप्चर कर लूँ कुछ। कल भैया अपने यार लेट वाला कहाँ लगे हो? क्या लिया है? ठीक है भैया, ले लिया, शाम को बात करें। गोप्रो है तो जो हेलमेट पे लगा रखा क्या है मतलब? कैमरा ही है। अभी ऐसी बनेगी हमारी वीडियो? ना इससे नहीं बनेगी। बनेगी तो कैमरा हेलमेट का लगाता हूं जो वो वाला है, समझे? ओहो नाते तो हम लगती है वो जो। हां बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं, छुपा हुआ। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाए। फाइनली घर पहुंच चुका हूं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही, कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ करोल बाग जाने के लिए, करोल बाग जाना नहीं हो पा रहा। प्लस मुझे पोर्ट्स लेने थे, जो प्लांट्स मुझे विकास भाई ने गिफ्ट किया था उसके लिए भी पोर्ट लेना भूल गया। अभी रात हो चुकी है, आते आते भाई 9:30 हो चुके हैं। अब मैं सोता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग बाकी जो प्लांट्स हैं उन्हें कहाँ करते हैं, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे पोर्ट लेके आना अपने प्यारे प्यारे पौधों के लिए, क्योंकि वो तो मैंने रख दिया। पानी भी लगा रखा थोड़ा गर्म होने के लिए पीने के लिए, तो मैं पहले दिखा देता हूँ। तो अभी उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी खासी है। कहाँ गए मेरे पौधों, प्यारे पौधों? ये रहे, ठीक है। तो और इस पौधों को मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा, एक इधर रहेगा एक इस साइड रहेगा, बिकॉज यहाँ नकली पौधे नहीं लगाना चाहता, ओरिजिनल पौधे लगाना चाहता हूँ जिनका अलग ही एक मोटिव रहता है। एंड यारे जो पौधे हैं ना एयर को प्योरीफाई करते हैं। हम ठहरे दिल्ली के रहने वाले, यहाँ पे पॉल्यूशन की कमी नहीं, तो उससे बचने के लिए थोड़े पौधे हमने लगा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एंड आप लोग भी अपने लिए पौधे लगाओ यार, रोम के अंदर नकली फूल पत्ते लगाने से अच्छा ना ओरिजिनल फूल पत्ते पौधे लगाओ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।